है। एक दिन गैब्रियल नाम का फरिश्ता एक जवान जुई औरत के सामने आया जिसका नाम था मेरी। मैं इस अचानक आई खबर से परेशान हूँ। जैसा आप कह रहे हैं वो कैसे हो गए? मैं अभी कुमारी हूँ पर मुझे ईश्वर पर भरोसा है और मैं ईश्वर की सेवा हूँ, उसी की रचना हूँ, तो जैसा आपने कहा कैसे ही होगा। मेरे और उसका होने वाला पति जोसेफ नाजरेथ नाम के शहर में रहते थे। वो बेथलहम शहर की ओर गए सेंसस में अपना नाम लिखाने के लिए, जैसे कि रोमन शहंशाह सीजर अगस्तस ने हुक्म दिया था। नाजरेथ से बेथलहम की दूरी 65 मील की थी, इसलिए उन्हें कई दिनों तक सफर करना पड़ा। जोसेफ और मेरी बेथलहम पहुंच गए। मेरी, लौटने तक तो नींद है, चाहो तो थोड़ा आराम करो। मैं आज रात यहाँ ठहरने का बंदोबस्त करता हूँ। जोसेफ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सारी जगह पहले से ही भरी हुई थी। क्या तुम्हें कोई जगह मिली? अब तक तो मुझे कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने अपनी रात एक अस्तबल में निकाली, एक ऐसी जगह जहाँ जानवरों को रखते हैं। सिर्फ यही एक जगह है जो रात गुजारने को मिली है। रुको, मैं जाकर ताजा घास फूस लेकर आता हूँ ताकि तुम उस पर आराम से सो सको। उस रात जीसस ने जन्म लिया। उनके पास पाना नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को मेंजर में सुलाया जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता है। उस मेंजर में ताजी घास रखी गई ताकि बच्चा उसे आराम से सो पाए। बेथलहम के पास खेतों में कुछ गडरिये थे जो वहाँ भेड़ियों के एक झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ता उनके सामने आया। मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ईश्वर के अवतार ने जन्म लिया है। क्या एक अवतार? क्या हम उसे देख सकते हैं? बताओ हमें कि वो कहाँ है। तो फिर चलो उस अवतार से मिलकर आते। पवित्र माँ, हम यहाँ ईश्वर के अवतार को देखने आए हैं। मेरे बच्चे के बारे में आपको कैसे खबर मिली? जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे एक फरिश्ता हमारे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने हमें इस अवतार के जन्म के बारे में बताया। हाँ,
जीसस से मिलने के बाद उन्होंने ये खबर हर तरफ फैला दी और जिन्होंने भी ये खबर सुनी वो चौंक गए। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। ए, तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। उन तीनों ने तारे का पीछा जारी रखा। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुंच गया और गायब हो गया। वो 3 सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा, उन्होंने बच्चे के आगे सर झुका। See you.
Thank you.